हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम जिनका जीवन परिचय पढ़ेंगे उनका नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, और इनका पूरा जीवन परिचय और उनका संगीत में क्या क्या योगदान रहा है वो पूरा पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनका जो जन्म हुआ था वो 18 अगस्त 1872 में हुआ था, मृत्यु 21 अगस्त 1931 में हुआ था। एक बात और याद रखें, कुछ चीजें जो होती हैं वो मैं पिन करता हूं कमेंट में करके, ठीक है? कमेंट में मैं उसे पिन कर देता हूं, या वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया करता हूं, तो वो नोट के तौर पे मैं बता दिया करता हूं, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं कि हर जगह पे अलग अलग दी गई होती हैं, तो उसे मैं बता देता हूं वहां पे, तो वो आप अच्छे से सुन लिया कीजिए, एंड तक देखा कीजिए ताकि आपको पता चल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। जन्म 18 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 1931 में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा थे जिन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे भारतीय समाज में संगीत और संगीतकार की उच्च प्रतिष्ठा के पुनर्द्वारक, समर्थक, संगीत गुरु, प्रतिमा, कंठस्वर एवं गायन कौशल के धनी भक्त हृदय गायक थे। देखो कितना, मतलब कि उस तरीके से बताया गया है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर राम धुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। पलुस्कर ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर भारतीय संगीत को एक विशिष्ट स्थान दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने समय की तमाम धुनों की स्वरलिपियां को संग्रहित कर आधुनिक पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको पता ही है कि दो लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया, शास्त्रों में, थ्योरी में भी और गायन को आगे बढ़ाने में भी। तो एक तो भारत खंडे जी हो गए, एक पलुस्कर जी होगी। पलुस्कर जी के द्वारा एक इन्होंने एक लिपि लाए और उनका नाम, जो लिपि का नाम जो था वो पलुस्कर ही लिपि कहते हैं उसे। आगे पढ़ते हैं। जीवन परिचय। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 को अंग्रेजी शासन वाले बंबई प्रेसिडेंसी के कुंडवाड़ बेलगांव में हुआ था। आप दूसरे पुस्तकों में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा कि कुंडवाड़ बेलगांव में हुआ था। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शासन वाले बंबई, ठीक है, प्रेसिडेंट के कुंडवाड़ बेलगांव में हुआ था। पलुस्कर को घर में संगीत का माहौल मिला था क्योंकि उनके पिता दिगंबर गोपाल पलुस्कर धार्मिक भजन और कीर्तन गाते थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर को बचपन में एक भीषण त्रासदी से गुजरना पड़ा। समीपवर्ती एक कस्बे में दंतोय जयंती के दौरान उनकी आंखों के समीप पटाखा फटने के कारण उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। आंखों की रोशनी जाने के बाद उपचार के लिए वह समीप के मिरज राज्य चले गए। अब इनकी जो संगीत की शिक्षा थी उनके बारे में, ग्वालियर घराने के में संगीतज्ञ शिक्षित पंडित बालकृष्ण बुक्का इचलकर जीकर से मिरज में संगीत की शिक्षा आरंभ की। 12 वर्ष तक संगीत की विधिवत तालीम हासिल करने के बाद पलुस्कर के अपने गुरु से संबंध खराब हो गए। 12 वर्ष कठोर तप साधना से संगीत शिक्षा क्रम पूर्ण करके सन 1896 में समाज की कुर्त्या और अवेलना एवं संगीत गुरुओं की संकीर्णता से भारतीय संगीत के उद्धार के लिए दृढ़ संकल्प सहित यात्रा आरंभ की। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा और ग्वालियर की यात्रा की। गिरनार में
दत्त शिखर पर एक अलौकिक पुरुष के संकेत अनुसार लाहौर को सर्वप्रथम कार्य क्षेत्र चुना। अब ब्रजभूमि में जो उनका भ्रमण रहा वह है धनाधर्जन के लिए उन्होंने संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम भी किए। पलुष्कर संभवतः पहले से ऐसे शास्त्रीय गायक हैं जिन्होंने संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए। बाद में विष्णु दिगंबर पलुष्कर मथुरा आए और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बंदिशें समझने के लिए ब्रज भाषा सीखी। बंदिशें अधिकतर ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने मथुरा से ध्रुपद शैली का गायन भी सीखा। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना, उसके पीछे की क्या कहानी है अब वो पढ़ेंगे। विष्णु दिगंबर पलुष्कर मथुरा के बाद पंजाब घूमते हुए लाहौर पहुंचे और 1901 में उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। इस स्कूल के जरिए उन्होंने कई संगीत विभूतियों को तैयार किया। हालांकि स्कूल चलाने के लिए उन्होंने बाजार के कर्ज लेना पड़ा। बाद में उन्होंने मुंबई में अपना स्कूल स्थापित किया। कुछ वर्ष बाद आर्थिक कारणों से यह स्कूल नहीं चल पाया और इसके कारण विष्णु दिगंबर पलुष्कर की संपत्ति भी जब्त हो गई। ठीक है, इन्होंने लाहौर में स्थापना की थी गंधर्व की 5 मई 1901 में। अब हम पढ़ते हैं पलुष्कर के शिष्य। विष्णु दिगंबर पलुष्कर के शिष्य में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव और उनके पुत्र डीवी पलुष्कर जैसे दिग्गज गायक शामिल हैं थे। रचनाएं उनकी, विष्णु दिगंबर पलुष्कर ने 3 खंडों में संगीत बालबोध, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी, संगीत बालबोध, और 18 खंडों में रागों की स्वरलिपियों को संग्रहित किया। इसके अतिरिक्त पंडित पलुष्कर ने स्वरपालप गायन, संगीत, तत्व दर्शन, राग प्रवेश तथा भजना मृत लहरी इत्यादि नामक पुस्तकों की रचना की। इनका निधन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस पुरोधा गायक और महान साधक का निधन 21 अगस्त 1931 को हो गया। तो ये था उनका पूरा जीवन परिचय और संगीत में उनका योगदान। इसमें जो भी चीजें होंगी वो अगर नोट में, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि जन्म अलग होता है, मृत्यु अलग होती है, उसका डेट अलग होगा, महीना अलग होगा, कुछ ऐसा भी होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मैं मेंशन कर दूंगा, जैसे वीडियो के एंड में उसको मेंशन कर दूंगा नोट के तौर पे। आप उसको जो मैं नोट बाद में बताता हूँ एंड में, वो आप जरूर देखा करें, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ। बीच बीच में अगर जो जो चीजें होती है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें होती हैं वो मुझे आप बता दिया करो किस पे वीडियो बनानी है कैसे, और मैं धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक पे वीडियो ला रहा हूँ। और तालों के लिए भी मैं लाऊंगा, वाद्यों के लिए भी लाऊंगा। यूपी में अभी जो वैकेंसी निकली है पीजीटी टीजीटी के लिए, उसके लिए भी मैं वीडियो ला रहा हूँ। आप अच्छे से देखें चैनल को, ज्यादा धैर्य बना के रखें। धीरे धीरे करके सारी चीजें मैं इस पे अपलोड करता रहूंगा और ये आपके सामने सारी चीजें मैंने रख दी हैं। और बाकी जो परिचय होता है वो आप जितनी बुक में आप पढ़ोगे, आप संगीत मणि में पढ़ो अलग है, अरिहंत में पढ़ो अलग है, राग परिचय में पढ़ो अलग है, सुबोध संगीत शास्त्र में पढ़ो अलग है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें अलग होती हैं, सारी चीजें अलग नहीं होती, कुछ चीजें अलग होती है, ये हमेशा याद रखना। इसलिए उसके आसपास की चीजों को आप याद रखा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। पलुष्कर जी ने जो इसमें एक चीज मेंशन नहीं की है कि उन्होंने जो पलुष्कर लिपि का निर्माण किया वो इसमें बुक के तौर पे बता रखा है, अलग से नहीं लिख रखा। तो पलुष्कर जी ने जो एक लिपि, दो लिपि से गायन
शैली को सीखा जाता है, एक भारतखंडी लिपि, एक पुलुस्कर लिपि। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।